ये बात है साल 1966 की। बस्तर के घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत राजमहल बना था। इस राजमहल की छत पर कई सारे आदिवासी तीर कमान लेकर सुरक्षा कर रहे थे। वहीं नीचे के कमरे में राजा अपनी प्रजा से मिलने की तैयारी कर रहे थे। राजमहल के नौकर चाकर हमेशा की तरह अपने अपने कामों में जुटे थे कि तभी अचानक छत पर खड़े आदिवासी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा महल गूंज उठता है। सामने से गोली बरसाते हुए पुलिस के जवान राजमहल के अंदर घुसे चले जा रहे थे। क्या महिला क्या बुजुर्ग, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उनका असल टारगेट थे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव, वो राजा जिन्हें इतिहास का सबसे अभिशापित राजा माना जाता है, वो राजा जिन्हें आदिवासी भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं, वो राजा जिनकी हत्या के बाद बस्तर, दंतेवाड़ा और दंडकारण्य जंगल नक्सलियों का अड्डा बन गया। 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सली मूवमेंट का सेंटर आज 1300 किलोमीटर दूर बसे बस्तर में है। कोई भी बड़ा नक्सली अटैक बस्तर, दंतेवाड़ा या इनके आसपास के एरिया में ही होता है। लेकिन क्यों बस्तर ही क्यों बना नक्सलियों का अड्डा? क्या लेना देना है प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या का नक्सली आंदोलन से? आखिर क्या है प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी और क्यों खुद पुलिस ने एक राजा का एनकाउंटर कर दिया? इसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास की गहराइयों में। सदियों पहले भारत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जंगल था जिसका नाम था दंडकारण्य। ये पश्चिम बंगाल से शुरू होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में फैला था। इस जंगल में पहले अलग अलग जनजातियों और बाद में राजाओं का राज हुआ। गुप्त काल में जब राजकुमारी प्रभावती गुप्ता ब्याह कर विदर्भ आईं, तो कालिदास भी उनके साथ आए थे। कालिदास के ही ग्रंथों से पता चलता है कि उस वक्त विदर्भ पर वाक्टका राजाओं का राज था और उसके पास बसे बस्तर पर नल डायनेस्टी रूल करती थी। लेकिन 12वीं सदी आते आते बस्तर से नल साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर एक नया साम्राज्य स्थापित होने वाला था जिसकी कहानी लिखी जा रही थी 400 किलोमीटर दूर तेलंगाना के वारंगल में। उस दौर में वारंगल पर काकतिया राजवंश का राज था। इनकी सबसे मशहूर रानी थी रानी रुद्रमा देवी, जिनका जिक्र खुद हिस्टोरियन और ट्रेवलर मार्को पोलो ने अपनी किताब में किया है। उनके समय पर वारंगल एक ताकतवर रियासत थी, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी आते आते हालात काफी बदल गए। ये साल था 1300 का जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था और वारंगल पर राज था राजा रुद्रदेव का। उस दौर में एक बहुत बड़ी सेना ने वारंगल पर अटैक किया जिसे लीड कर रहा था खिलजी का गुलाम मलिक कफूर। उसने यहाँ खूब लूटपाट मचाई, मंदिरों को तोड़ा और राजा रुद्रदेव की सेना को हरा कर वारंगल का राज दिल्ली के अधीन कर लिया। लेकिन साल 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई, जिसके बाद अलाउद्दीन के मंत्रियों और बेटों समेत हर किसी में राजा बनने की होड़ मच गई। इसी का फायदा उठाकर उसकी सेना के एक कमांडर उलुग खान ने वारंगल पर हमला कर दिया और उस वक्त के राजा यानी कि रुद्रदेव के बेटे प्रताप देव को बंदी बना लिया। जैसे ही राजा प्रताप देव के छोटे भाई अनम्मम देव को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपने परिवार और खजाने के साथ ही मां दंतेश्वरी की मूर्ति को हाथियों पर बैठाया और वारंगल छोड़कर दंडकारण्य के घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। कहते हैं कि जब उनका काफिला इस जंगल से गुजर रहा था, तब मां दंतेश्वरी खुद ही एक जगह पर विराजमान हो गई और उसी जगह पर बस गया दंतेवाड़ा। हालांकि इतिहास में इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग बताते हैं कि राजा प्रताप देव ने अपने भाई अनम्मम देव को वारंगल से निकाल दिया था, इसके बाद वो भारी मन से राज्य छोड़कर जाने लगे।
वो नाव पर बैठकर गोदावरी नदी को पार कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पानी में मां दंतेश्वरी की मूर्ति नजर आई। उन्होंने मूर्ति को पानी से निकाला और नदी के किनारे पहुंचकर उसकी पूजा करने लगे। तभी मां दंतेश्वरी खुद वहां प्रकट हुई। उन्होंने अनम्बम देव से कहा कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद ही कहें कि अनम्बम देव अपने रास्ते पर चलते हुए कई राज्यों को जीतते चले गए। इसी तरह उन्होंने बारसूर की लड़ाई में राजा हरिश्चंद्र देव को हराकर बस्तर रियासत को भी जीत लिया। बाद में दंतेवाड़ा में वो जिस जगह पर रुके वहां पर ही मां दंतेश्वरी स्थापित हो गईं। दूसरी कहानी ये भी है कि दंतेवाड़ा में ही मां सती के दांत गिरे थे, इसी वजह से यहां मां दंतेश्वरी शक्ति पीठ बनी। खैर, अब बस्तर के घने जंगलों में काकतिया राजवंश की स्थापना हो चुकी थी जिसके राजा बने अनम्बम देव। दंतेवाड़ा में ही मां दंतेश्वरी का एक खूबसूरत मंदिर बनवाया गया और राजा ने खुद को उनका पुजारी घोषित कर दिया, यानी कि अब से बस्तर के राजा मां दंतेश्वरी के पुजारी थे। बस्तर के एक बड़े हिस्से पर घना जंगल था और यहाँ के ज्यादातर लोग आदिवासी थे। इस रियासत का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए दूसरे राजा इस पर हमला नहीं करते थे। मां दंतेश्वरी की कृपा ही कहें कि एक लंबे दौर तक ये रियासत सुरक्षित रही। हालांकि साल 1750 में जब मराठा पूरे भारत पर कब्जा करने लगे तब नागपुर के भोसले राजाओं ने भी उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों पर हमला किया जिसमें बस्तर भी शामिल था, लेकिन उन्होंने भी बस्तर पर कब्जा नहीं किया बल्कि यहाँ के राजाओं को ही यहाँ पर राज करने दिया और खुद राजा से टैक्स वसूलने लगे। हालात तो तब बदले जब 1818 के एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार गए। इसी के साथ ही मराठों के कब्जे वाली सारी रियासतें अंग्रेजों के अंडर आ गई और यहाँ से कहानी में एक यूटर्न आता है। जब दंडकारण्य प्लेटो के नीचे छिपे खजाने के बारे में अंग्रेजों को पता चलता है, दरअसल दंडकारण्य पठार के नीचे जो जमीन है उसमें लोहा और कोयला समेत बहुत सारे मिनरल्स छिपे थे। यहाँ कोयले और लोहे की बड़ी बड़ी माइंस थी और धरती उपजाऊ थी सो अलग, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए और कारखाने लगाए। इन कारखानों को संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्टर आए दूसरी जगहों से और मजदूरी का काम दिया गया बस्तर के आदिवासियों को। अब क्योंकि बस्तर के लोग कम पढ़े लिखे थे, भोले भाले थे, इसलिए अंग्रेजों के ये कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार इन आदिवासियों को जाहिल समझने लगे। वो इनके साथ मन चाह सुलूक करते, इनसे जबरदस्ती काम करवाते, मारपीट करते। इसके अलावा अंग्रेजों ने इनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया, लेकिन इनके यहाँ तो बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि ये लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया करते थे और टैक्स देना होता था करेंसी में जो इनके पास थी नहीं। अब जब ये लोग टैक्स नहीं दे पाते तो और पिटाई होती। इस तरह से अंग्रेजों और ठेकेदारों ने बस्तर के आदिवासियों को इतना टॉर्चर किया कि इनके मन में बाहरी लोगों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और इसी नफरत का नतीजा था भूमकाल रिवोल्ट। ये आंदोलन शुरू हुआ साल 1910 में जब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। वो छिपकर अंग्रेजों और ठेकेदारों पर अटैक करते और उन्हें मार गिराते। इसी वजह से बाहर के लोग बस्तर में आने से डरने लगे। तब अंग्रेजों ने खुद इस विद्रोह को कुचलने की ठानी, क्योंकि अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार थे और आदिवासियों के पास सिर्फ तीर कमान। इसीलिए अंग्रेज भूमकाल विद्रोह को कुचलने में कामयाब भी हो गए। उन्होंने कई सारे आदिवासी नेताओं को पकड़कर फांसी दे दी और कईयों को जेल में डाल दिया। इस तरह भूमकाल आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आदिवासियों के मन में विद्रोह की चिंगारी सुलगती रही। उन्हें लगने लगा कि उनके राजा के अलावा और कोई उनका अपना नहीं है। इतिहास बताता है कि बस्तर के राजा भले ही अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की जनता से बहुत प्यार था। इसीलिए बस्तर के उस वक्त के राजा रुद्र प्रताप देव ये चाहते थे कि उनके देहांत के बाद उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को बस्तर का राज सौंप दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने
ऐसा होने नहीं दिया। खैर, प्रफुल्ल कुमारी की शादी मयूर भंज के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार से हुई और इन्हीं दोनों के बेटे थे प्रवीर चंद्र भंज देव। साल 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव इस दुनिया से अलविदा कह गए। तब अचानक अंग्रेज प्रफुल्ल कुमारी पर मेहरबान हो गए। साल 1933 में उन्होंने प्रफुल्ल कुमारी को बस्तर की महारानी बना दिया। लेकिन अंग्रेजों की इस मेहरबानी के पीछे भी एक बहुत बड़ी चाल थी। वो ऐसे कि बस्तर रियासत में ही एक जगह है बैलडीला। यहाँ पर बड़ी बड़ी कोल और आयरन माइंस थी। अंग्रेज इन माइंस को हैदराबाद के निजाम को देना चाहते थे ताकि निजाम इनसे मिनरल्स निकालकर विदेशों में बेचकर पैसा कमा सके और अंग्रेजों की जेबें भी भरती रहें। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी ने ऐसा होने नहीं दिया। उनका मानना था कि इस पर सिर्फ और सिर्फ बस्तर के लोगों का हक है। अंग्रेजों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तब अंग्रेज उन्हें रास्ते से हटाने की सोचने लगे। 3 साल बाद जाकर उन्हें ये मौका मिल भी गया जब प्रफुल्ल कुमारी की तबीयत खराब हुई। अंग्रेजों ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा, जहां उन्हें जानबूझकर गलत ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके पति प्रफुल्ल कुमार को बस्तर का राजा बनाने की बजाय वापस मयूर भंज भेज दिया और राजा बनाया उनके 6 साल के बेटे प्रवीर चंद्र भंज देव को। दरअसल अंग्रेज ये चाहते थे कि वो प्रवीर चंद्र को अपने तौर तरीके सिखाएं, ताकि बड़े होकर वो भी सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के बारे में सोचे। उस समय अंग्रेज अक्सर ऐसा ही किया करते थे। जब वो कम उम्र में किसी बच्चे को राजा बनाते तो उसे उसके माता पिता से दूर लंदन भेज देते, ताकि वो अपने देश से दूर रहे और अंग्रेजों के तौर तरीकों में ढल जाए। उन्होंने प्रवीर चंद्र के साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन माता पिता से दूर रहकर प्रवीर चंद्र के जीवन में हमेशा प्यार की कमी रही। 18 साल की उम्र तक वो अंग्रेजों की कस्टडी में रहे, पर उस वक्त में उनके मन में अंग्रेजों के प्रति प्यार की बजाय नफरत पैदा हो गई। खैर, 18 साल की उम्र में वो वापस बस्तर लौट आए और बस्तर का राजकाज देखने लगे। ये साल था 1947 और इसी साल में भारत को आजादी मिलनी थी। कुछ ही महीनों में एक एक करके सारे रियासतें भारत में जा मिली, लेकिन बस्तर का पड़ोसी हैदराबाद अब भी अलग रहा। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि किसी तरह से बैलडीला उन्हें मिल जाए, ताकि वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए ईस्ट पाकिस्तान तक एक कनेक्शन बना सके। इसीलिए उन्होंने राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को इसके लिए मनाना शुरू कर दिया। इतिहास बताता है कि बस्तर रियासत उस दौर में बड़ौदा से दोगुनी और जयपुर जितनी बड़ी थी, लेकिन प्रवीर चंद्र ने बिना किसी शर्त के बस्तर का विलय भारत में कर दिया। पर हैदराबाद के निजाम बार बार उनसे मुलाकात करके बैलडीला को पाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस नेताओं को ये गलत फहमी हो गई कि प्रवीर चंद्र निजाम के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के नेता उन्हें नापसंद करने लगे। हालांकि राजा प्रवीर चंद्र कभी भी भारत से अलग नहीं होना चाहते थे। वो तो बस ये चाहते थे कि बस्तर के रिसोर्स पर, यहाँ के मिनरल्स पर यहाँ के आदिवासियों का हक होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों के हक की ही इस बात ने उन्हें भारत सरकार का भी दुश्मन बना दिया। हुआ यूं कि आजादी के बाद बस्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा बना और जहाँ के सीएम थे कैलाश काटजू। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले फॉर्मर चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू के दादाजी थे। कैलाश काटजू ने सेंटर गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप किया और बस्तर में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इससे बस्तर के लोगों और राजा प्रवीर चंद्र को ये लगने लगा कि सरकार उनका हक मार रही है। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश सरकार और प्रवीर चंद्र भंजदेव के बीच तनातने काफी बढ़ गई। साल 1952 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन किया, जिससे कांग्रेस बस्तर में इलेक्शन हार गई। इसी बात से खफा होकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, ये कहते हुए
कि वो अय्याशी में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जनता तो हकीकत जानती थी। दूसरी तरफ सरकार ने एक जापानीज कंपनी के साथ टाई अप करके बेल्डिला में भी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तब राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने आदिवासियों के साथ मिलकर जल जंगल जमीन बचाने का नारा बुलंद किया और सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। बदले में सरकार ने उनका प्रीवी पर्स बंद कर दिया, उन्हें मेंटल बताकर इलाज के लिए लंदन भेज दिया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थे, इसीलिए कुछ हफ्ते बाद ही वो डिस्चार्ज होकर वापस बस्तर लौट आए। वापस आकर जब वो कैलाश काटजू से मिले तो काटजू ने उन्हें इनडायरेक्टली बस्तर छोड़कर चले जाने की धमकी दी, और जब वो नहीं माने तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। लेकिन जनता के लिए तो अब भी प्रवीर चंद्र ही राजा थे। वो लोगों के बीच इतने फेमस हो चुके थे कि 1962 में उन्होंने और उनके साथियों ने विधानसभा चुनाव में बस्तर की 9 सीटों पर जीत हासिल की। देखते ही देखते वो बस्तर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके थे, इसीलिए सरकार उनके खून की प्यासी हो गई। आदिवासी भी जानते थे कि उनके राजा की जान को खतरा है, इसीलिए वो तीर कमान लेकर खुद ही उनकी सुरक्षा करते थे। लेकिन 25 मार्च 1966 को खेल पूरी तरह बदल गया। उस दिन राजा प्रवीर चंद्र अपने कमरे में थे और हमेशा की तरह उनसे मिलने के लिए लोग राजमहल में जमा हो रहे थे। तभी अचानक पुलिस ने राजमहल पर हमला कर दिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगी। विटनेस बताते हैं कि पहली गोली उनके हाथ में लगी और फिर सीने में। देखते ही देखते उनका शरीर लहूलुहान हो गया और वो जमीन पर गिर पड़े। उन्हें बचाने के चक्कर में 11 आदिवासियों की जान चली गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जनता को बचाने वाली पुलिस ही हत्यारी बन गई। जैसे ही ये बात बाहर लोगों तक पहुंची, पूरे बस्तर में हंगामा मच गया। मीडिया से लेकर साहित्यकारों तक हर किसी ने इसका विरोध किया। ये मामला संसद में भी गूंजा, लेकिन सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में किया है। अब भले ही सरकार ने तो इस मामले को रफा दफा कर दिया हो, लेकिन बस्तर के लोगों के मन में ये बात घर कर गई। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेजों की तरह ही भारत की सरकार भी उनकी दुश्मन है। इस हत्याकांड ने उनके मन में नफरत का बीज बो दिया और इसी नफरत के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की एंट्री आसान हो गई। हुआ यूं कि इस हत्याकांड के ठीक एक साल बाद 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने नक्सली आंदोलन की शुरुआत की। उनका मानना था कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है उस पर किसान का ही हक होना चाहिए, ना कि ठेकेदार का। उन्होंने किसानों को उकसाया, जिस वजह से बहुत सारे किसानों ने ठेकेदारों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और जब ठेकेदारों ने उनका विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। इससे ठेकेदारों के मन में एक खौफ पैदा हो गया। शुरुआत में इस आंदोलन का असर सिर्फ बंगाल के ही कुछ हिस्सों पर था, लेकिन बहुत ही जल्द ये दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा। देखते ही देखते बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों में नक्सली आंदोलन फैल गया। क्योंकि उस दौर में सामंतों और ठेकेदारों ने भी किसानों को खूब परेशान करके रखा था। वहीं कुछ लोग जातिवाद तो कुछ सरकार से भी परेशान थे। जब इन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिला तो इन्हें नक्सली ही अपने लगने लगे। यही कारण था कि बहुत सारे जगहों पर इन नक्सलियों को गांव वालों का भी साथ मिलने लगा। बस्तर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल बस्तर के लोगों के दिलों में तो भूमकाल आंदोलन से ही बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा था। रही सही कसर राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के हत्याकांड ने पूरी कर दी। बस्तर के आदिवासी सरकार के खिलाफ गुस्से से भर चुके थे और इसी गुस्से ने बस्तर में नक्सलियों की एंट्री का रास्ता खोल दिया। हुआ यूं कि जब बंगाल में नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए, तब सारे नक्सली दंडकारण्य के उस एरिया में जमा होने लगे जहां पर घने जंगल थे।
बस्तर भी इन घने जंगलों के बीच बसा था। इसी वजह से नक्सली यहां आराम से छिप सकते थे। दूसरी तरफ सरकार से खफा लोगों को इन्होंने आसानी से बरगला कर अपनी तरफ कर लिया। अब बस्तर में इन्हें छिपने के लिए जगह तो मिली ही, लोगों का साथ भी मिला, इसीलिए ये इलाका नक्सलियों का अड्डा बन गया। नक्सली मूवमेंट की हिस्ट्री देखी जाए तो पता चलता है कि तीन फेज में ये आंदोलन भारत में फैला, जिसमें तीसरा फेज सबसे खतरनाक था। इस फेज में नक्सली 9 राज्यों के 200 जिलों को अपनी चपेट में ले चुके थे। देखते ही देखते नक्सली भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए। इसीलिए सरकार ने अलग अलग स्क्वाड बनाई, लोगों को अपने साथ लिया और कई ऑपरेशंस चलाए, जिसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे नक्सलियों का सफाया होने लगा। साल 2023 तक ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गए। छत्तीसगढ़ में भी इनका सबसे बड़ा अड्डा बस्तर और दंतेवाड़ा है, और इसके पीछे की वजह क्या है ये तो आप समझ ही चुके हैं। दोस्तों, बस्तर के लोग ना तो अपने राजा को भूले हैं और ना ही उस हत्याकांड को। यही वजह है कि आज भी जब यहाँ दशहरा मेला लगता है तो हजारों लोग राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की तस्वीरें लेकर आते हैं और उन्हें अपने देवता की तरह पूजते हैं, और पूजे भी क्यों ना। इतनी बड़ी रियासत के राजा प्रवीर चंद्र उस दौर में भी अपनी जनता के लिए लड़ रहे थे, जब बहुत से रियासतों के राजा अपने खुद के फायदे के लिए पाकिस्तान में शामिल होने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे। मगर अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग असल में देश के खिलाफ थे, उन्हें तो बाद में भारत सरकार ने खूब मान सम्मान, खूब प्रीवी पर्स दिया, लेकिन जो लोग सच्चे राष्ट्रभक्त थे उन्हें गोली मार दी गई। कई आदिवासियों ने खुद अपनी आंखों के सामने राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के मर्डर को देखा। कई गवाह थे, सबूत थे उस मर्डर के, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सजा किसी को नहीं मिली। दोस्तों, सरकार ने उस वक्त जो भी किया उससे लोगों का गुस्सा होना जायज था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बस्तर में नक्सलवाद फैलने के पीछे की असल जिम्मेदार खुद सरकार है। लेकिन इसकी सजा मिल रही है यहाँ के आम लोगों और बस्तर में तैनात हमारी फोर्स के कमांडोज को। सरकार का ये दावा है कि आने वाले कुछ सालों में नक्सली आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नक्सली आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कौन था पहला नक्सली और इसे शुरू करने वाले लोग कहां गए, इसकी डिटेल स्टोरी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस कहानी पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।